देखो ये ईमेल हमने गूगल से निकाली है, इस ईमेल में हम करेक्शन करेंगे, ठीक है। गूगल से कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, उसमें करेक्शन करके अपने यूज में ले सकते हो, लेकिन जरूरी है कि आप किसी दूसरे के व्यक्ति की चीजों को मत उठाओ। यदि उठा भी रहे तो उसमें कुछ करेक्शन कर लो, कुछ चीजों को फॉर्मेट कर लो, बदलाव कर लो, फिर यूज करो, ताकि कोई ये ना कह पाए कि भैया आप हमारा क्यों यूज कर रहे हो, है ना। तो चलो हमने इसको उठा लिया, कोई भी इमेज ऐसे उठा सकते हो। अब इसको हम फोटोशॉप में खोल करके करेक्शन करेंगे। अगर हम वर्ड में करेंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम इसको फोटोशॉप में करते हैं। तो फोटोशॉप हमने खोल लिया, फोटोशॉप पे डबल क्लिक करके हम इस इमेज को खोलेंगे। और ये इमेज अगर नहीं खुल रही है, मान लीजिए इस तरह से आ रहा है, तो हमको क्या करना है, इस इमेज को पेंट में खोलना है। पेंट में खोल करके आपको यहाँ पर कंट्रोल एस के साथ सेव कर देना है, या फिर फाइल मेन्यू पे जाकर के सेव पर क्लिक कर देना है, या फिर आपको सेव एस पे क्लिक करके यहाँ पर फाइल का नाम चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नाम वगैरह चेंज करके, ये डबल ए के नाम से मैंने पहले से कर लिया है सेव, सेव करके आप इसको सेव कर देंगे, उसके बाद पेंट यहाँ से बंद कर देंगे। और अब हम इसको जो है अपने फोटोशॉप में खोलेंगे। ये फोटोशॉप पर मैंने डबल क्लिक किया, या फाइल मेन्यू से जाके ओपन पे भी क्लिक कर सकते हो। ये डबल ए के नाम से मैंने सेव की है फाइल, इसको डबल क्लिक करके मैंने खोल लिया, ये खुल गई फाइल। आप देखो ये फोटोशॉप में जो टूल्स का टेबल है, ये जिसको मैं हिला रहा हूँ, देखो ये इसमें हर टूल का अलग अलग काम है। सिलेक्शन का अलग टूल है, क्रॉप काटने का अलग टूल है, इरेजर मिटाने का अलग टूल है। इसके टूल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखोगे समझ जाओगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है ये आपको नहीं मालूम तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो ये मान लीजिए यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रहा है, ठीक है, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये कोई वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, कोई भी वीडियो है। इस पे ये टाइटल लिखा है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, ये टाइटल है। कोई भी वीडियो होता है उसमें एक टाइटल होता है, किस चीज का वीडियो है। तो उस टाइटल पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का नीचे लिखा हुआ आएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये अब इसी में जो लिखा हुआ है लास्ट में, देखो लिखा है मोर, मोर लिखा हुआ है ना, तो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसी डिस्क्रिप्शन में देखो दो तीन लिंक लगे हुए हैं, चैनल का लिंक लगाया हुआ है, ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टुडे, ठीक है। तो यहीं पे आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, किसका, टूल्स के बारे में समझाया गया है उसमें, फोटोशॉप के टूल्स के बारे में, ठीक। तो उस वीडियो को आप देखोगे समझ जाओगे, दिक्कत जाएगी आप मेरे से बोलना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छे से बनाए हैं, इजीली बताए हैं, सब आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक। कोई चीज में फंसोगे तो हमसे पूछ लेना, ये चीज है डिस्क्रिप्शन इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये सब्सक्राइबर, ये जो चैनल का नाम है, ठीक है, और चैनल के नीचे जो दिख रहा है ये सब्सक्राइबर है, कितने सब्सक्राइबर है चैनल पे। और ये जो सब्सक्राइब दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है, यदि इसको आप सब्सक्राइब कर लेते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही हम सब्सक्राइब करेंगे, ये सब्सक्राइब किया हमने, अभी एरो बन के आ गया साइड में, देखो छोटा सा, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करके यदि हम घंटी का इसमें ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होगा, जब भी इस चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, घंटी बजेगी, ठीक है, कि व्यक्ति ने चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करा है, जाके देख लो, ठीक है। यदि हम सब्सक्राइब कर दिए हैं, अब हम चाहते हैं कि इसका वीडियो हमको दिखाई ना दे, तो हम इसको अनसब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ से ऑप्शन है ये अनसब्सक्राइब, ये हट गया। तो ये वीडियो, चलो यूट्यूब के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमने दे दी यहाँ पर आप, ठीक। यदि आपने अपनी आईडी से खोला हुआ है यूट्यूब को, तो आपको यहाँ पर दिखेगा फोटो, दिखेगा देखो लाइकन, ये फोटो दिख रहा है साइड में कोंटे में, उस कॉन्टे में देखो फोटो दिख रहा है छोटा सा, मतलब ये लॉग इन है ऑलरेडी, ठीक। तो इस तरह से, अच्छा ये जो आइकन दिख रहा है प्लस बना हुआ है, वीडियो कैमरे का निशान बना हुआ है, उसमें प्लस बना हुआ है, ये ऑप्शन होता है वीडियो को अपलोड करने के लिए। इस पे क्लिक करोगे तो एक बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑप्शन देगा कि आप नया वीडियो सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते, इसमें डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो यूट्यूब में, ठीक। तो ये बेसिक से कुछ डिटेल होते हैं, ये यूट्यूब का आइकन है, इस पर क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब के स्टार्ट में पहुंच जाओगे, जहां पे आप चीजों को सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। ये सर्च बार होता है, यहां से भी आप डायरेक्टली कोई भी चीज सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हुई, हम चलते हैं अपने वापस पॉइंट पे, कहां थे, जहां पे भी थे, ये हमने इमेज खोल ली। हाँ, अब इस टूल बार में की जानकारी में देखो, यहाँ पर एक सिलेक्शन टूल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। अब मेरे को ये मोबाइल नंबर हटाना है, ठीक है,
तो देखो पहले तो इसमें दो चीज सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन टूल के माध्यम से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, और सिलेक्ट करके मैं इसको क्या कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। डिलीट करने के बाद व्हाइट आया, क्यों आया, क्योंकि यहां पर व्हाइट कलर सिलेक्ट है कलर सिलेक्शन में, ठीक है, इसलिए डिलीट करने पे व्हाइट कलर आया, ठीक है, व्हाइट ही कलर चाहिए था हमको, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैं देखो करेक्शन कर रहा हूँ, ये डिलीट करता जा रहा हूँ, सिलेक्ट कर करके डिलीट करता, फिर अलग से मोबाइल नंबर डाल दूंगा। ये स्पेस बटन के साथ मैं माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके ड्रैग कर सकता हूँ, उसको खिसका सकता हूँ आगे पीछे, ठीक है। इसको इस तरह से देखो सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है, ये वाला रेक्टेंगल से टूल सिलेक्ट है मेरा, और सिलेक्ट करके मैं डिलीट करता जा रहा हूँ, ये डिलीट हो गया। चलो अब यहाँ पर मेरे को सिर्फ मोबाइल नंबर डालना होगा बस, पहले मैं पूरा साफ कर लेता हूँ, फिर बाद में हम इसको डालेंगे एक एक करके, ठीक है। यदि आप ये सब काम करते समय यदि चश्मा यूज करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, है ना, बारीकी काम काफी देर तक देखना पड़ता है। चलो ये चीज डिलीट कर दी, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है लखनऊ, इसको तो चेंज नहीं करना है, हटाना है लखनऊ, हटाना है। चलो इसको भी हम हटा देते हैं, ये नहीं रखना हमको। चलो पूरा यही रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा ये सब सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना ये सब, हाँ। चलो ठीक है, इसके बाद हम ये ऊपर का नाम बदल दें, कर ये लिखे रहने ना, जय बजरंग बली जो लिखा है, और जय जय माता भी दी। सुना जी कर दीजिए। चलो क्या करना है इसको, सबसे इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ कोई दूसरी चीज लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये तिवारी अलग कर देते हैं ना, टिफिन सेंटर भी अलग कर देते हैं, पूरा नए सिरे से हम लिखेंगे। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिलेक्ट करके सिर्फ डिलीट कर रहा हूँ, गौर करो, देखो सिलेक्ट किया और ये डिलीट बटन दबा दिया। हाँ वो तो किसी कई प्रकार के ऑप्शन है अपने पास लिखने के, कई प्रकार के डिजाइन उपलब्ध है लिखने के लिए, हमको सेम टू सेम रखना ही नहीं है ना, उससे थोड़ा अलग रखना है ये चीज। चलो ये हमने साफ कर लिया पूरा प्लेटफॉर्म, ठीक है, अब ये जय माता दी भी यहां से अलग कर देते हैं ताकि एक सा हो जाए, है ना। चलो अब यहां से हम ये टी पे क्लिक करेंगे, जो टी ऑप्शन दिख रहा है ये लिखने के लिए है, तो टी पे क्लिक किया, ये लिखने का ऑप्शन आ गया, और यहां से हम हिंदी वाला फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। देखो ये क्लिक किया, हिंदी फॉन्ट के लिए कृतिदेव होता है, तो कृतिदेव का कोई भी फॉन्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे ये। अब उसके बाद हमने क्लिक किया, यहाँ पे व्हाइट कलर से है तो लिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसका कलर चेंज करेंगे, ये व्हाइट कलर जो दिख रहा है यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे, और यहां से हम कोई ब्लैक अलग कलर चूज कर लेंगे, ये ओके कर देंगे, ब्लैक कलर हो गया। अब लिखते हैं ये, ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, जय अन्नपूर्णा, क्या ऐड रहेगा वो तो टाइटल हो गया ना, वो तो टाइटल तो नीचे लिखेंगे, तो देखो जय लिखेंगे, जय अन्नपूर्णा ना, जय अन्नपूर्णा, आगे जय अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी की माता, जय अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और कुछ लिखना है बस ना, यही सेंटर में कर देते हैं ना, ये हमने इसको सेंटर में कर दिया। चलो
स्पेस दे दे करके हमने इसको सेंटर में कर दिया। ठीक, अब इसको मूव टूल पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी एक स्टेप काम पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप करना है हमको। दूसरे स्टेप में हमको क्या टाइटल क्या लिखना है? महालक्ष्मी टिफिन सेंटर। महा बड़ा हो जाएगा, अभी लिख तो लें। महालक्ष्मी टिफिन सेंटर ये लिख लिया। अब इसको हमने पूरा सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिए शिफ्ट के साथ, हमने होम बटन दबाया तो सिलेक्ट हो गया। अब ये हम फॉन्ट में चले गए, फॉन्ट में क्लिक कर दिया और इसको एरो की से देखो ये बदल रहा है। कौन सा चाहिए बता देना। पहले इसको हम बीच में सेट कर लें, ऐसे में समझ में नहीं आएगा। ये मूव टू सेलेक्ट करके हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी दबाया तो ये चारों साइड में हमको पॉइंट मिल गए। किसी भी एक पॉइंट को दबाएंगे और शिफ्ट की दबा करके रखेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो ये छोटा बड़ा कर सकते हो ऐसे आप इसको। ठीक, इंटर कर देंगे सेट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर वापस से इसको सिलेक्ट करेंगे, टी पे जाएंगे, टी को प्रेस करेंगे जो कि फॉन्ट का है। फिर इसके बाद हम उसको ड्रैग करके इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, फिर फॉन्ट पे जा करके क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम एरो की मदद से इसका फॉन्ट बदल के देखेंगे, जौन सा पसंद होगा उस पे जाके रुक जाएंगे। पतला है। ये ठीक है, ये सही लग रहा है। चलो इसको क्लिक कर देते हैं और फिर से मूव टू सिलेक्ट करके इसको थोड़ा कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करते ही हमको चारों साइड में एरो शेप मिल गया है, पॉइंट मिल गए हैं। शिफ्ट दबा करके रखेंगे, किसी भी पॉइंट को रख करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। बीच से इसको थोड़ा हाइट बढ़ा देंगे तो इस तरह से हाइट भी बढ़ जाएगी। ये इंटर कर देंगे और एरो की मदद से इसको आगे पीछे करके सेट कर लेंगे जैसे सेट करना थी। इस तरह से हम कोई भी कंप्लीट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फोटो के ऊपर फोटो लगा सकते हो, यहाँ से टिफिन का आप आइकन चेंज कर सकते हो, बहुत सारे करेक्शन कर सकते हो। चलो नीचे हम मोबाइल नंबर डाल दें। सर ये हॉस्पिटल कार्ड में सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम वीडियो पे मोबाइल नहीं दिखा रहे हैं। मोबाइल नंबर इसको हम स्किप कर देते हैं, मोबाइल नंबर नहीं दिखाना चाहते। ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इतना सा काम करने के लिए लोग 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए चार्ज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, यूज कर सकते हो।